Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I hope you're all doing good. So this video is all about NIT, NUST University, और इसके सारे इन्फॉर्मेशन के कितने टेस्ट होते हैं, स्कॉलरशिप क्राइटेरिया क्या होते हैं, मेरिट क्राइटेरिया क्या होता है, कितने फील्ड्स वगैरह होते हैं एंड सो ऑन. बिफोर वी स्टार्ट, जस्ट टू लेट यू नो कि अगर आपको किसी को कोई क्वेरी हो या कोई इशू हो, आप लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पे जाके नस्ट ड्राइव टाइप कर लें, आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं. वहाँ पे आप पेज फॉलो कर ले, आपको जितने पास टाइम सीक्यूज है वो भी मिल जाएंगे, जो अपडेट्स है रिसेंट यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के या फिर नेस्ट के एडमिशंस के, जो भी अपडेट्स होती है वो आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे मिल जाएंगे. सो जस्ट गो एंड फॉलो द पेज, और अगर कोई क्वेरी हो तो यू कैन शेयर ओवर देयर. यू कैन ऑल्सो फाइंड माई कॉन्टेक्ट डाउन बिलो, बट इट्स गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लाई टू एवरी वन, सो इट्स बेटर यू पीपल कॉन्टेक्ट द पेज. तो पेज पे आपको सारे जवाब वगैरह मिल जाएंगे. इवन इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन कोर्सेज फॉर एनआईटी, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट नेस्ट यूनिवर्सिटी. So the very first thing that comes to one's mind is that obviously it is number one university. सही है. It is in Islamabad. इसका जो main campus है, that is in Islamabad, H12. And NET जो होता है ना, that is NUST entry test. NUST entry test. इसके चार attempts होते हैं every year. चार attempts होते हैं. दिसंबर में NET one होते हैं, और हर attempt से पहले उसका एक registration होता है. दिसंबर में अगर NET one series होगा, इट इज नोन एज एनआईटी वन सीरीज. सही है, क्योंकि वो सीरीज होता है, उसमें एक से ज्यादा टेस्ट होते हैं. एवरी डे देर इज अ टेस्ट, लाइक फॉर 10 to 12 days, यूजली 10 to 12 days. तो नवंबर में रजिस्ट्रेशन शुरू होती है, दिसंबर में टेस्ट होते हैं. सही है, फॉर एनआईटी वन. फॉर एग्जाम्पल, इफ 22 दिसंबर को पहला टेस्ट है, तो ये जाएगा टिल 1 और 2 जनवरी. सही है, तो इस तरह टेस्ट होते हैं, डेली टेस्ट होते हैं हर फील्ड के. अब उसमें डिफरेंट एमसीक्यूज आते हैं. इसका सिलेबस टोटल पार्ट वन एंड पार्ट टू दोनों आते हैं. सही है, लाइक ये अपना सोचे कि एनआईटी वन है तो सिर्फ पार्ट वन आएगा, नो, उसमें दोनों आते हैं. सही है, ये यू माइट हियर दैट क्या कहते हैं, सिर्फ फर्स्ट ईयर आता है, बट नो, इसमें पार्ट वन एंड पार्ट टू दोनों आते हैं. इफ यू डू दैट मिस्टेक, आप लोग अपना बेड़ा कर लेंगे सिर्फ. सो प्रिपेयर बोथ. जिसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया वो अप्लाई कर सकते हैं, और मतलब जो अभी रिसेंटली फ्रेश सेकेंड ईयर में है, और जिसका क्या कहते हैं जो गैप ईयर पे जिसने दोनों साल कंप्लीट किए वो भी अप्लाई कर सकते हैं. एंड सेम गोज फॉर ए लेवल किड्स, उनका भी अगर पहला ए लेवल का हो गया फर्स्ट पार्ट, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं. सही है, सो देर आर फोर अटेम्प्ट्स. आपके चारों अटेम्प्ट्स में जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं ना, वो कंसिडर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एनआईटी वन में ले लिया 150, एनआईटी टू में ले लिया 155, तो आप लोगों के 155 कंसिडर हो गए एट द टाइम ऑफ एडमिशन. सही है, अब एट द टाइम ऑफ एडमिशन का क्या मतलब है, आप लोगों के हर साल एडमिशन सेप्टेम्बर में ही होते हैं. आप लोग एनआईटी वन टॉप कर ले, आप लोग एनआईटी फोर टॉप कर ले, आपका एडमिशन सेप्टेम्बर में ही होगा. अगर एक बंदा एनआईटी वन में पास कर ले दिसंबर में, उसको दिसंबर में एडमिशन नहीं मिलेगा, उसको एडमिशन मिलेगा सेप्टेम्बर. सही है, नीचे ये अटेम्प्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी लिखा है, विच यू कैन हैव लाइक फोर अटेम्प्ट्स फॉर ईच फील्ड. अब आप ईच फील्ड के लिए फोर अटेम्प्ट्स दे सकते हैं. अगर एक बंदा इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहा है, तो वो इंजीनियरिंग के चार अटेम्प्ट्स दे सकते हैं. सेम बंदा बिजनेस के भी चार अटेम्प्ट दे सकते हैं. सही है, पूरे साल एक सीरीज में आप लोग एक फील्ड का एक अटेम्प्ट दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, एनआईटी वन में अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग का टेस्ट देना है, तो आप इंजीनियरिंग का एक अटेम्प्ट दे सकते हो, आप बिजनेस का एक अटेम्प्ट दे सकते हो, आप अप्लाइड साइंसेज का एक अटेम्प्ट दे सकते हो. सही है, आप ये नहीं कर सकते कि आप एनआईटी वन में इंजीनियरिंग का दो बार टेस्ट दे दें, नो. सही है, तो चार अटेम्प्ट से पूरे साल में. इट्स बेटर कि आप लोग अगर किसी का बहुत दिल कर रहा है कि वो ज्यादा फील्ड्स के लिए अप्लाई करना चाहता है, यू शुड गो फॉर टू फील्ड्स, मतलब टू मेजर फील्ड्स, नॉट ज्यादा. मतलब ये ना हो कि एक बंदा प्री मेड सीएस में भी अप्लाई करे, प्री इंजीनियरिंग में भी अप्लाई करे, बिजनेस में भी अप्लाई करे, क्योंकि वो सब्जेक्ट ज्यादा हो जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा. सही है, एडमिशन क्राइटेरिया जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं वो कंसिडर होते हैं. आप लोगों के एफएससी, आप लोगों का मैट्रिक, और आप लोगों का जो एनईटी के मार्क्स है, वो सारे मिला के एक एग्रीगेट बनता है. उस एग्रीगेट के बेस पे आपको एक मेरिट पोजिशन मिलती है. जिस तरह आपके स्कूल में पोजीशंस होती थी ना, कि अगर 30 बच्चे होते तो एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है, एक थर्ड आता है, कुछ अच्छे बच्चे होते तो जो 30 आ जाते हैं. सही है ना, तो आप लोगों को उस तरह के मेरिट पोजीशन मिलते हैं. आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने इसमें अप्लाई किया होता है ना, आपके एग्रीगेट के बेस पे आपको मेरिट पोजिशन गिवन होती है. सही है ना, वो मिल जाती है, उसके बेस पे आप लोगों का एडमिशन होता है. टेस्ट सेंटर्स तो आप लोग एनआईटी वन से लेकर फोर तक सारे इस्लामाबाद में होते हैं मेन कैंपस में, एनआईटी टू एंड फोर कराची और गिलगित में भी होते हैं. सही है, और क्वेटा में भी, क्वेटा में और इस्लामाबाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है. मतलब कंप्यूटर पे बैठा के आपको टेस्ट लिया जाता है. सही है ना, कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, रिजल्ट भी उसका एक दिन बाद सीधा आ जाता है, कभी कभी उसी दिन भी आ जाता है अगर स्टूडेंट्स काफी कम हो टेस्ट में. तो प्रेफर इस्लामाबाद कैंपस या क्वेटा कैंपस, मतलब के प्रेफर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. सही है, पेपर बेस्ड नहीं. पेपर बेस्ड में वो फिलिंग में बहुत मसला हो जाता है, टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है, और वहाँ पे मार्क्स नहीं आते. सही है ना, सो आई नो कि कराची के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होगा कि देखिए फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद फॉर अ टेस्ट, बट अगेन इट्स नेसेसरी. चार ही तो अटेम्प्ट्स है, चार ही तो टेस्ट है, तो आ जाओ साल में और फिर अच्छी यूनिवर्सिटी मिल गई, देन जस्ट चिल फॉर द रेस्ट ऑफ योर 4 ईयर्स. अब ये बात शायद ज्यादा बच्चों को समझ में ना आए. सही है ना, दे विल बी लाइक नो, सेम टेस्ट सेम यूनिवर्सिटी है तो क्या ही मसला होगा, बट देर इज अ प्रॉब्लम. आई हैव सीन अ हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने कराची में स्कोर किए. सही है ना,
तो इट्स बेटर कि आप लोग टाइम वेस्ट ना करें, इस्लामाबाद में ही टेस्ट दे। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, दैट आई एग्री, ट्रेवल वगैरह का, स्टे का, बट अगेन यू आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी, तो खैर इतना बर्दाश्त कर लो, बट इट्स बेटर देन टेकिंग अ गैप ईयर। तो टाइम पे इस्लामाबाद में ही टेस्ट दे दो या फिर क्विटा करें। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एमसीक्यूज, सबसे पहले इंजीनियरिंग के टेस्ट देख लेते हैं। यू हैव एडवांस मैथ्स 80 एमसीक्यूज, देन फॉलोड बाय 60 फिजिक्स एमसीक्यूज, देन केमिस्ट्री 30 एमसीक्यूज, इंग्लिश 20 एमसीक्यूज, एंड इंटेलिजेंस 10 एमसीक्यूज। ये इफ योर बैकग्राउंड इज ऑफ प्री इंजीनियरिंग, मतलब आपने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री अगर पढ़ा हो एफएससी में। इफ यू हैव डन मैथ्स फिजिक्स कंप्यूटर, देन आपका ये वाला पैटर्न होगा, 80 एमसीक्यूज मैथ्स, 50 फिजिक्स, 40 कंप्यूटर, 20 इंग्लिश, 10 आई। अब इसकी प्रिपरेशन इट सेल्फ इज अ बिग टॉपिक, वो उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। सही कि इसकी प्रिपरेशन किस तरह करनी है, ऑब्वियसली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। आप लोगों को ये भी पता होगा कि प्री मेडिकल वाले कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक, फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, और बिजनेस के फील्ड, इन सब में मेडिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बिजनेस का टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका मैं थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। जो कंप्यूटर साइंस या फिर ये कंप्यूटिंग फील्ड्स या बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंस के लिए उनमें अप्लाई करना है, उसके लिए उनके टेस्ट में आएगा 60 एमसीक्यूज बायो, 60 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 20 इंग्लिश, 10 आईक्यू। पहले उनके टेस्ट में मैथ्स आता था, बट अभी ने वो पॉलिसी चेंज कर दी, अभी उनका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, आईक्यू आएगा। सो यू माइट बी वंडरिंग कि अगर ये सब आ रहा है तो व्हेन विल वी स्टडी मैथ्स, वो आप लोग जब यूनिवर्सिटी आ जाए, आप लोग यूनिवर्सिटी में आके मैथ्स पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, मेरिट का भी मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ। अच्छा, बी ए क्या कहते हैं, फील्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, तो डेटा साइंस है, प्री इंजीनियरिंग, आई सी एस, सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सही है। उनके लिए इंजीनियरिंग और आई सी एस स्टूडेंट अगर अपना टेस्ट ही दे देना, वो डेटा साइंस के लिए अप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आई सी एस के स्टूडेंट ने अपना आई सी एस का टेस्ट दे दिया ना, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर का, वो इंजीनियरिंग में सब फील्ड्स में अप्लाई कर सकता है, यूनिवर्सिटी आके उसको सिर्फ एडिशनल मैथ्स, एडिशनल केमिस्ट्री करनी होगी। वो डेटा साइंस, ए आई, सब कंप्यूटिंग फील्ड्स में भी जा सकते हैं। सोशल साइंसेज वाले, बी बी ए, ए सी एफ, एल एल बी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सही है। उनके बेसिक मैथ्स के 80 एमसीक्यूज होते हैं, 80 इंग्लिश के होते हैं, 40 इंटेलिजेंस के होते हैं, टोटल 200 मार्क्स का टेस्ट होता है, 3-3 घंटे का टेस्ट होता है, सही है, ये भी आपको बता दूं। तो अगर सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना है, आप लोगों ने ये वाला टेस्ट देना होगा, ये 80 बेसिक मैथ्स का, 80 इंग्लिश, 40 आईक्यू का, सही है। और देन अप्लाइड साइंसेस, सही है, नेचुरल साइंसेस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, नेचुरल साइंसेज में आते हैं, नॉट इन अप्लाइड साइंसेस। इनके लिए सेपरेट टेस्ट पहले होते थे, बट अभी सेम इंजीनियरिंग टेस्ट में भी क्या कहते हैं, हो जाते हैं, सेम इंजीनियरिंग का जो टेस्ट आप दे दो उसी में भी मेरिट बन जाता है। अगर आप इंजीनियरिंग का टेस्ट दे दो, उसमें जो मार्क्स आपके आते हैं उसी को मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश को कंपेयर करके, मतलब मिला के, उसका जो एग्रीगेट बनता है, यूनिवर्सिटी आपका उसी एग्रीगेट पे एडमिशन करवा सकती है, अगर वो एडमिशन आपका बन रहा हो, सही है। अच्छा, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, प्रॉबेबली यू विल हैव कंफ्यूजन, सो एज आई सेड, ईदर कमेंट या फिर वो जो नस ड्राइव का पेज है, ये जो मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे आप लोग सिर्फ मैसेज करते हैं, आप लोगों को जवाब इधर मिल जाएगा, सही है। इधर मेरा कॉन्टेक्ट भी गिवन है, बट इट गेट्स अ लिटिल हेक्टिक के सबको रिप्लाई करना, तो आप लोग काइंडली पेज पे ही मैसेज कर दें। प्रोसेस किस तरह है, प्रोसेस इज वेरी इजी। एक तो रजिस्ट्रेशन होता है, एज आई सेड कि बिफोर ईच एनएटी सीरीज आप लोगों के रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं। रजिस्ट्रेशन का आपको पता कहाँ पे चलेगा, सिर्फ गूगल पे टाइप कर ले नेस्ट यूजी एडमिशन, वहाँ पे जाके अकाउंट बना ले। दिसंबर में एनएटी वन अभी होगा, नवंबर में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, सो जस्ट गो देयर, मेक द अकाउंट, एंड नवंबर में आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, सही है। सीएनआईसी वगैरह करके ये क्रिएट एन अकाउंट, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली है, सही है। टेस्ट का डेट भी आप लोग खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। अब टेस्ट का डेट एक थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, नेस्ट इस तरह कर लेती है कि नेस्ट को पता होता है कि हमने फॉर एग्जांपल 1,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, तो 1,000 स्टूडेंट को हम 10 दिन में अकोमोडेट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर लोग ज्यादा अप्लाई करते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो वो कहते हैं कि यार एक टेस्ट 22 को रख लेते हैं, एक 23 को रख लेते हैं, एक 24 को रख लेते हैं, तो एक बच्चे के पास ये तीन ऑप्शन है। अब जब वो पहली बार रजिस्टर करेगा, उसको 23 का डेट भी आ सकता है, उसको 24 का डेट भी आ सकता है, उसको 22 का डेट भी आ सकता है, एक उसकी मर्जी है। दूसरा ये कि वो वेट करे, जितना वो वेट करता जाएगा तो बाकी स्टूडेंट डेट सेलेक्ट करते जाएंगे, उसके लिए डेट आगे जाते जाएंगे, सही है। क्योंकि अगर मैंने डेट सेलेक्ट नहीं किया 22 का और बाकी ने कर लिया, तो 22 की सारी सीट्स फिल हो गए, तो मेरे लिए तो अभी 23 और 24 ही शो होगा, मेरे लिए 22 शो ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो सेलेक्ट ही नहीं किया था, दूसरे बच्चों ने किया था, तो वो लोग तो 22 को जाएंगे। द मोर यू वेट, द लेटर डेट यू विल गेट, सही है। ये कब तक कर सकते हो, जब तक नेस्ट खुद अनाउंस ना कर दे। नेस्ट अनाउंस कर देगी कि भाई मतलब सब 26 तक सेलेक्ट कर लो, वरना आप लोगों का हम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देंगे डेट, क्योंकि बस यूनिवर्सिटी के पास भी तो इतना टाइम नहीं होता ना, वो भी कितना ही वेट करेगी, वो बोल देगी कि भाई 26 तक सब सेलेक्ट कर लो, वरना फिर हम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देंगे, फिर आपको जो भी डेट मिल गया। बट आपको डेट लेटर ही मिलता है, ये ना हो गया एक बंदा बोले कि यार मैंने अगर 26 को नहीं सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, तो मुझे 22 मिलेगा, 22 हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस पर पहले से सीट्स फिल है। अच्छा, टेस्ट की जो रजिस्ट्रेशन फीस है, दैट इज 5,000, ये लास्ट ईयर थी, इस साल 6,000 कर दी उन्होंने, मतलब सही है, इस साल इंक्रीज होगी, 5,000 थी लास्ट ईयर, बट इस साल प्रॉबेबली इंक्रीज होगी, अभी नवंबर में पता चल जाएगा, सही है। और डेट भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, अगेन अगर कोई क्वेरी हो इसके रिलेटेड, ये ऑब्वियसली जब वो आएगा ना, तो आप लोगों को थोड़े से इश्यूज होंगे, तो यू मे कॉन्टेक्ट द पेज, आपको आंसर मिल जाएगा।
टेस्ट सेंटर्स आपको मैंने पहले भी बता दिया कि इस्लामाबाद, कराची और गिलगित और क्वेटा में होते हैं। यू पीपल गो फॉर द कंप्यूटर बेस्ड इन इस्लामाबाद एंड क्वेटा। अटेम्प्ट्स 4 अटेम्प्ट्स होते हैं, सही है। एडमिशन टाइमलाइन क्या कहते हैं, वो हर सितंबर में होता है। अच्छा, अब ये मेरिट लिस्ट और पोजीशन क्या होते हैं, जब आप लोगों के सारे टेस्ट हो जाते हैं ना हर सिटी में, सही है, तो उसके बाद आप लोगों के मेरिट पोजीशन निकलते हैं, जिस तरह मैंने वो पहले बताया स्कूल में जो पोजीशन होते हैं वो पोजीशन निकल आ जाते हैं। और उसके बाद फिर आप लोगों का जो है ना क्या कहते हैं, आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकलता है। मेरिट लिस्ट ये होता है कि यार पहला मेरिट लिस्ट है इसमें, लाइक फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस में जिन लोगों का मेरिट पोजिशन 100 तक था ना, पहले 100 बच्चे जीतते हैं उनके एडमिशन हो गया कंप्यूटर साइंस में। अब वो लोग के पास ऑप्शन है, वो लोग पैसे जमा करेंगे, फॉर्म जमा करेंगे, रजिस्टर करेंगे। अगर उन्होंने कर लिया तो वो सारे सीट्स फिल हो जाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल 50 बच्चों ने किया, 50 ने नहीं किया, तो नेक्स्ट लिस्ट आएगी मेरिट लिस्ट 2, सही है, एक हफ्ते बाद आती है। मेरिट लिस्ट 2 जो होता है ना उसमें फिर 100 से लेकर 150 तक जितने मेरिट पोजिशन होंगे उनको कंप्यूटर साइंस मिलेगा, सही है, उनको कंप्यूटर साइंस मिलेगा। उनको इसलिए मिलेगा क्योंकि पिछले लिस्ट में 50 बच्चों ने एडमिशन नहीं किया था। फिर इन 100 से लेकर 150 तक जितने लोगों ने अगर उस सेकंड लिस्ट में एडमिशन कर दिया, पैसे जमा कर दिए, तो फिर उनको सीट्स मिल जाएगी। अगर उन्होंने नहीं किया तो तीसरे लिस्ट में 150 से लेकर 200 तक जितने बच्चे होंगे उनको मिलेगा। ये ऑब्वियसली चेंज होती है, जो मैं नंबर्स बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये टोटली डिपेंड करते हैं, देर आर सो मेनी फैक्टर्स रिगार्डिंग दिस, सही है, देर आर सो मेनी फैक्टर्स, तो वन कैन नेवर गिव एन एग्जैक्ट आंसर क्योंकि ये टोटली अप टू द यूनिवर्सिटी एज पर दियर फिजिबिलिटी एज पर दियर कन्वीनियंस, सही है। अच्छा, एग्रीगेट किस तरह कैलकुलेट करते हैं? सो अगर आप लोगों ने मैट्रिक किए और आप लोगों ने एफएससी कंप्लीट किए, अगर आप लोगों ने एफएससी कंप्लीट किए तो आप लोगों के जो एग्रीगेट बनते हैं वो होते हैं 10 मल्टीप्लाई मैट्रिक के मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मैट्रिक के मार्क्स, प्लस 15 मल्टीप्लाई टोटल एफएससी के ऑब्टेंड मार्क्स डिवाइड बाय टोटल एफएससी के मार्क्स, प्लस 75 मल्टीप्लाई एनईटी के मार्क्स जितने एनईटी में डिवाइड बाय 200 क्योंकि टोटल एनईटी के मार्क्स 200 होते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया कि 75% एनईटी काउंट होता है, मतलब आप लोग बोर्ड्स में आपके मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड्स में आप लोग 60% से भी सिर्फ ले लो काम चल जाएगा, अगर आप लोग इधर एनईटी में आग लगा कर आ जाओ और 160-165 ले लो, सही है ना। अगर आप लोग किसी का एफएससी कंप्लीट ही नहीं है, मतलब उसने पार्ट वन पार्ट टू दोनों कंप्लीट ही नहीं किया, सिर्फ पार्ट वन किया, तो उसका 15% यहाँ पे पार्ट वन के मार्क्स सिर्फ लगेंगे, 15% पार्ट वन। आप लोग कुछ वेबसाइट यूज करते हो, सही है ना, वो हमेशा यूज ना करो क्योंकि वो सिर्फ पार्ट वन कभी कभी कंसिडर कर लेते हैं, तो जिन बच्चों ने पूरा एफएससी किया होता है उनके भी सिर्फ पार्ट वन के मार्क्स कंसिडर हो जाते हैं, तो उनका एग्रीगेट गलत निकल आ जाता है। इट इस बेटर आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर ले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैट्रिक में 900 मार्क्स है तो 10 मल्टीप्लाई 900 डिवाइड बाई 1100 प्लस 15 मल्टीप्लाई पार्ट वन में लेट से 500 मार्क्स है तो 500 डिवाइड बाई 550 प्लस एनईटी में लेट से 150 मार्क्स है प्लस 75 मल्टीप्लाई 150 डिवाइड बाई 200, इन सबको प्लस करके आपको एग्रीगेट मिल जाएगा। अगर आप ओ लेवल्स के शहजादे हैं, सही है ना, तो ओ लेवल्स के क्या कहते हैं, आप लोगों के आईबीसीसी इक्विवेलेंस होता है, जो आपके ग्रेड्स होते हैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अब होता ये कि ए लेवल्स का रिजल्ट यूजुअली लेट आता है, अगर ए लेवल्स का आप लोगों का पार्ट वन काउंट नहीं होता, जिस तरह अगर आपने एफएससी में सिर्फ पार्ट वन दिया तो पार्ट वन सिर्फ काउंट होता है, बट ओ लेवल्स के बच्चों के लिए ए लेवल्स का पार्ट वन सिर्फ काउंट नहीं होता, उनका सिर्फ ओ लेवल्स 25% काउंट हो जाते हैं, ओ लेवल्स काउंट्स एज 25% और 75% एनईटी काउंट हो जाता है, 75% एनईटी काउंट हो जाता है, विच इज गुड क्योंकि बच्चों के ओ लेवल्स में मार्क्स ज्यादा होते हैं, ए लेवल्स थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, तो उनका भला हो जाता है, 25% ऑफ देयर गुड मार्क्स इज कंसिडर्ड विच इज वेरी गुड, सही है। मेरिट लिस्ट का तो मैंने बता दिया। अच्छा, ये जो मेरिट है हमने लास्ट ईयर किए थे, इस साल टोटल इसका बड़ा गर्क हो गया, सही है ना, इस साल जो मेरिट है वो आसमान में चला गया। कंप्यूटर साइंस बीबीए का कम हो गया, बीबीए का पहले बहुत ज्यादा था, बीबीए का भी कम हो गया, 78-79-80% से हो जाएगा एग्रीगेट से। ये एग्रीगेट किस तरह निकलेगा, इस तरह जब आप लोग ये सारी चीजें प्लस कर दोगे ना आपके पास आ जाएगा 78-79-80-80.1-80.2, ये आपका एग्रीगेट है, उसके मुताबिक आप लोगों को लिस्ट लगती है और मेरिट पोजीशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का 80 एग्रीगेट है उसका 306 मेरिट पोजीशन होगा या 301 या 200 मेरिट पोजीशन एंड सो ऑन। अगेन ये चीजें आप लोग अभी नहीं समझेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोगों को एक रफ आइडिया होगा, इसमें अगर आप लोग पूछेंगे भी तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट करें, जब तक आप लोग को मेरिट पोजीशन मिलेगी नहीं ना तब लोग आपको समझ नहीं आएगी, तो जस्ट इसको छोड़ दे और टेस्ट पे ही आप लोगों ने फोकस कर लो, सही है। आजकल जो कंप्यूटर साइंस का मेरिट चल रहा है आसमान में चल रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट आसमान में चल रहा है, आई कैन जस्ट टेल यू 82 प्लस एग्रीगेट के लिए एम कर लो इन दिस ईयर एंड इन द कमिंग ईयर, 82 प्लस एग्रीगेट, दैट मीन्स कि आप लोगों को एनईटी में 160 प्लस लेने ही होंगे। वो जमाना नहीं है कि आप 147-148 से एडमिशन करवा देंगे, नो, आप लोगों को 160 प्लस ही लेने होंगे। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों के जो एनईटी के टॉपर्स होते हैं, चारों एनईटी के कंबाइन करके, आप लोगों का टॉपर 170 में बैठा होता है। इस साल सिर्फ एक रिकॉर्ड बन गया था, पहले एनईटी का पूरा रिकॉर्ड था एक बंदे ने बनाया था, ही हैड 181, इस साल एक शहजादे ने 184 ले लिया, सही है। सो वो अभी तक हाईएस्ट मार्क्स है, बट यूजुअली जो टॉपर्स होते हैं दे आर इन 170, सो अगर कोई बंदा 160 ले रहे हैं ना इट मींस ही इज इन अ लीग ऑफ हिज ओन,
सही है ना, इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टू टेक 160, इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. सो फॉर गेटिंग इन टू कंप्यूटर साइंस एंड दिस हाई डिग्री लाइक AI, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड सो ऑन, यू नीड प्रॉपर मार्क्स, यू नीड टू गिव इट योर टाइम. इंजीनियरिंग का मेरा थोड़ा सा कम हो रहा है, 75 एग्रीगेट, 72 एग्रीगेट, 70, 60 एग्रीगेट पे भी हो जाता है कभी कभी, सही ना, बट वो दूसरे कैंपसेस में हो जाता है. सोशल साइंस का एज आई मेंशन ये थोड़े से चेंज हो गया क्योंकि इसका मेरिट भी बहुत कम हो गया. LLB के पहले 50 सीट्स थे, सही है, हर डिपार्टमेंट के सीट्स कितने होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में. LLB के 50 सीट्स थे, आज इस साल 100 हो गए, एक सेक्शन ऐड कर दिया तो थोड़ा सा मेरिट उसका कम हो गया, बट अगेन ये रफ एग्रीगेट्स है, इस पे ना सोचो. अगेन मैं ये बता रहा हूँ, ये सुन लो, आप लोग अपना पूरा साल जाया कर लेते हो हमेशा कि सर इतने एग्रीगेट से होगा, इतने से होगा, क्या कर, नो, गो गिव द टेस्ट, जितने हाईएस्ट मार्क्स ले सकते हो ले लो, दैट्स इट, सिंपल. हाँ, एक बंदे हैं वो जाके सीधा 160 लेके आ जाए, फिर तो उसको दोबारा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एनएटी के, उसने एनएटी 1 में 160 ले लिया तो उसको एनएटी 2 देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. अब एक बंदे वो 150 लेकर आ जाते, उसका 78 एग्रीगेट है, तो उसको वो अगर ये सोचे कि मेरा होगा या नहीं होगा, दैट इज स्टुपिडिटी भाई. आपने कंफर्म अगर एडमिशन लेना है, अपने मार्क्स लेने, क्योंकि यू नेवर नो मेरिट कब उड़ जाते हैं, सही है ना. सो डू नॉट गो आफ्टर द एग्रीगेट, जस्ट गो टेक द हाईएस्ट मार्क्स एज यू कैन. जब आपको मार्क्स मिल जाए, देन अगेन जस्ट टेक्स्ट दिस पेज, पूछ लो, आपको जवाब मिल जाएगा कि होगा या दोबारा दे दो टेस्ट. ओके, प्री मेडिकल वाले कंप्यूटर साइंस वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं, सोशल साइंसेज में भी कर सकते हैं, मैंने पहले भी बता दिया. एमबीबीएस, यस, नर्स ने लास्ट ईयर एमबीबीएस स्टार्ट किया था, उन्होंने नम्स के टेस्ट के बेस पे बच्चों का एडमिशन किया था. इस साल इसका कोई आइडिया नहीं है कि नर्स ने अपना टेस्ट करना है या नम्स का टेस्ट करना है, सो देर इज नो डिटेल अबाउट इट. वो प्राइवेट है और काफी एक्सपेंसिव भी है. अच्छा, डेटा साइंस प्री मेडिकल के बच्चों के लिए अप्लाइड साइंसेस का टेस्ट होता है, 60 बायो, 60 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 20 इंग्लिश, 10 IQ. उस टेस्ट में जो है ना उनका एडमिशन होता है अप्लाइड साइंसेस के सारे फील्ड में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंसेस, डेटा साइंस, AI, कंप्यूटर साइंस एंड सो ऑन, सही है ना, उन सब में हो जाते हैं. और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं होता क्योंकि वो इंजीनियरिंग की फील्ड. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे लिखे, सिलेबस नॉट येट डिस्क्लोज, ये लास्ट ईयर के हमने ये स्लाइड्स बनाए थे जब हमने इंस्टाग्राम पे अपलोड किए थे. इस साल उन्होंने ऑब्वियसली सिलेबस बता दिया, वही प्री मेड सीएस का टेस्ट है जो अभी मैंने बताया, उसी टेस्ट पर आपका एडमिशन हो जाता है, जस्ट दैट यू हैव टू टेक द प्रॉपर द रिक्वायर्ड एग्रीगेट. ये सेमेस्टर फीस भी अगेन हमने लास्ट ईयर के लिए की थी, इस साल इंक्रीज हुए, नेक्स्ट इंक्रीजेस इट्स फीस एवरी ईयर. सोशल साइंस का भी आई थिंक आप लोग वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, बट दैट इज 2,50,000. इंजीनियरिंग की 1,98,000 और समथिंग के 1,78,000 है. हॉस्टल रेंट 40,000 पर सेमेस्टर, मेस बिल इज 15,000 पर मंथ, मेस बिल इज 15,000 पर मंथ, सही है. सो आई कैन जस्ट टेल यू कि जब आप लोगों का इनशाला एडमिशन हो जाए ना, यू विल बी गिवन 3 to 4 days. फॉर एग्जाम्पल आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और वो आपको बोलेगा अभी पैसे जमा करो, तो वो विदिन 3 to 4 days आप लोगों को बोलेंगे कि सारे पैसे जमा कर दो, विच इज अबाउट 4 lakh rupees. अगर आप लोग हॉस्टल के पैसे जमा कर ले, एडमिशन के कर ले, सिक्योरिटी वगैरह कर ले, तो 4 लाख तक पैसे होते हैं, तो लाइक इट इज एक्सपेंसिव आफ्टर ऑल, सही है. अच्छा, इफ इट इज एक्सपेंसिव देयर मस्ट बी सम स्कॉलरशिप. सो नेक्स्ट स्कॉलरशिप देती है, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, अगर आप लोगों ने ये मिस्टेक कर दी पूरा साल बड़ा कर लोगे. जब आप लोग हर एनिटी में रजिस्ट्रेशन करते हो ना, तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाते हैं कि क्या आप नीडी हो या नहीं, उसको टिक कर देना, उसको टिक कर देना. व्हेन यू टिक दैट, तो आप लोगों को नेक्स्ट फाइनेंशियल एड का फॉर्म आएगा. अगर आप लोगों ने उस वक्त फिल कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया फिर आप लोगों ने नेक्स्ट एनिटी का वेट करना होगा. जब आप लोग दोबारा नेक्स्ट एनिटी के लिए रजिस्टर कर रहे हो ना, उस वक्त दोबारा फाइनेंशियल एड का फॉर्म आएगा, फिर फिल कर लेना. सो पहली बार में जब आ जाए तो फिल कर लेना, सही है. और क्या कहते हैं, फाइनेंशियल एड में आपको सिर्फ या तो 100% पूरा फाइनेंशियल एड मिलेगा, वो भी आपकी ट्यूशन फीस, सिर्फ ये वाली ट्यूशन फीस, ये 2 लाख पर सेमेस्टर या 250 पर सेमेस्टर या 178 पर सेमेस्टर, ये वाली सिर्फ, बाकी चीजें वो लोग नहीं देते, तो सिर्फ इसका मिल सकते हैं, सही है ना. और या फिर 100% मिलेगा या 50% मिलेगा, पता किस तरह चलेगा, जब आप लोगों का लिस्ट आ जाएगा ना, जब नाम आ जाएगा तो आप लोगों को वाउचर मिलते हैं कि पैसे जमा कर दो. उस वाउचर पे अगर पूरी फीस आई हो, इट मीन्स आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिली. अगर ट्यूशन फीस जीरो आई हो, मतलब सिर्फ एडमिशन के पैसे आप लोगों को बोले कि जमा करें, इट मीन्स कि आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल गई, सही है. अगेन ये सिर्फ नीड बेस्ड है, देर इज नो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप. आप लोग अल्लाह करे 190 लेकर आ जाए एनआईटी में, देर इज नो, वो उनको कोई मसला नहीं है. आप लोग 190 लेकर आ जाए, दे विल नॉट गिव यू स्कॉलरशिप और समथिंग, नो. जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है ना, आप लोगों ने सीधा हॉस्टल का फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद आपको हॉस्टल मिलता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यूजुअली अगस्त के टाइम में. जैसे पहले लिस्ट में नाम आ जाते हैं ना, सीधा हॉस्टल का फॉर्म फिल कर लो, सही है, वरना हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा. हॉस्टल का बहुत बड़ा मसला होता है, हॉस्टल यूजुअली बच्चे अगर इंटरनल नहीं मिलते तो एक्सटर्नल मिल जाते मिल चले जाते हैं, और एक्सटर्नल का आप लोगों को हालात पता ही, सही है ना. तो स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए भी बहुत इशू होता है, सो डायरेक्टली अप्लाई कर लो. इसके लिए थोड़े से सही है ना, ताल्लुकात वगैरह भी चलते हैं, इफ यू हैव गुड फ्रेंड्स, बाकी आप समझ रहे हो ना, अगर उनसे आप लोग नेक्स्ट कॉल करवा ले तो दे कैन हेल्प यू आउट, शायद हॉस्टल आप लोगों को मिल जाए, सही है.
सो दैट्स इट अबाउट क्या कहते हैं कि एक जनरल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटी के क्या क्या होता है, कितने टेस्ट होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, सही है ना। देर माइट बी फ्यू थिंग्स दैट आई वुड हैव मिस्ड, प्रोबेबली हमने वो जो प्रिपरेशन का जो तरीका है वो तो प्रोबेबली मैंने मिस कर दिया, उस पर तो अलग से वीडियो बनेगी, सही है ना, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। इसमें आपकी बहुत क्यूरीज भी होगी प्रोबेबली, सही है ना। अगेन कुछ चीजें जहाँ पे मैंने बताया कि वो पूछने की जरूरत नहीं, इट मीन्स कि अगर आप वो करेंगे भी तो आप टाइम वेस्ट करेंगे, लाइक यू विल नॉट अंडरस्टैंड। इवन इफ आई कैन एक्सप्लेन यू फॉर 3 आवर्स के व्हाट इज मेरिट पोजीशन, कोई फायदा ही नहीं निकलने वाला, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट गिवन अ मेरिट पोजीशन, आप लोगों ने टेस्ट कर दिया। माई एडवाइस वुड बी कि आप लोग प्रिपेयर कर ले, सही है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले। एक और इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों को लगता है ये पूरा साल है, नो, ये 4 इंटरव्यू बहुत मुश्किल होते हैं, ये बहुत मुश्किल होते हैं। जब आप लोग ये जून जुलाई का टाइम आएगा ना, आप लोगों के बोर्ड सर पे होगा, पीएस का टेस्ट होगा, ई कैट का टेस्ट होगा, कॉम सेट होगा, फास्ट होगा, ये सब चीजों के साथ में एनएटी भी होगा, तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मसला होगा, बहुत ही ज्यादा, स्पेसिफिकली फॉर ओ लेवल्स बच्चे। आप लोगों को लगता है कि ए लेवल्स मुश्किल है, वंस यू गेट ओवर ये ना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ए लेवल्स इज क्वाइट ईजियर कम्पेयर टू डीलिंग विद दिस स्टफ। आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग अभी ये दिसंबर और ये फरवरी वाले को पास कर ले, उसके बाद फिर ए लेवल्स पे फोकस कर ले या फिर अपने बोर्ड्स पे फोकस कर ले, सही है। बोर्ड्स और ए लेवल्स के मार्क्स मैटर नहीं करते, सेकंड ईयर के मार्क्स मैटर नहीं करते, आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स काउंट होते हैं, अनलेस इफ यू टेक अ गैप ईयर खुदा ना पास था, क्योंकि अगेन एज आई सेड 75% आपका एनईटी काउंट होता है, एनईटी में ज्यादा ले ले, नॉट इन योर बोर्ड्स, नॉट इन योर ए लेवल्स, उनको पास कर दें 60% से ज्यादा लेने, बट वो तो ऑब्वियसली आप लोग कर लेंगे, उतना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं होता, सही है। जो भी क्वेरीज आपके रहते हैं अगेन एज आई सेड कि आप लोग सिर्फ नस्ट ड्राइव पे मैसेज कर दें इंस्टाग्राम पर, सही है, वहाँ पे मैसेज कर दें, आप लोगों को पास्ट टाइम सीक्यूज आपकी क्वेरीज आंसर हो जाएंगे, बट प्लीज पेज को भी फॉलो कर ले, आप लोगों को भला होगा क्योंकि वहाँ पे जितने भी वो अपडेट्स है वो हम शेयर करते जाते हैं, सही है ना, जितने भी अपडेट्स हैं। अगर किसी को ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए पढ़ने के लिए, यू कैन चेक द स्टूडेंट्स रिजल्ट्स एंड रिव्यूज ओवर देयर एज वेल, यू विल फाइंड देम ओवर देयर, सो आप लोगों को वो भी मिल जाएंगे, सही है ना। और अगेन अगर कोई मसला हो सो यू मे कॉन्टेक्ट ओवर देयर, एंड अगर कोई चीज मैंने मिस कर दी तो लेट मी नो, मैं दूसरी वीडियो भी बना लूंगा, विल हैव अ सीरीज ऑफ वीडियोज इंशाल्लाह, एंड विल हैव लाइव सेशंस रिगार्डिंग दिस स्टफ एज वेल, सही है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।